Hello students, myself Dr. Nisha Jain, Aging Part 3. ये chapter हम लोग already start कर चुके हैं और इसका Part 1 and Part 2 हम लोगों ने कर लिया है. आज Part 3 में आपका करवाऊंगी. BSc Part 1 Zoology का Paper 3 Gamete and Developmental Biology परिवर्धन जैविकी का ही ये chapter है, Aging, जिसको कि हम जीर्णता भी बोलते हैं, काल प्रभावन या जीर्णता. Causes of aging, वह क्या कारण है जिससे बुढ़ापा आता है या जीर्णता आती है. You can see these are biological hallmarks of aging. These are the various causes which leads to the एजिंग प्रोसेस. ये वह सारे कारण हैं जिसके कारण बुढ़ापा आता है. दीज आर दी कॉजेज ऑफ एजिंग. टीलोमेयर शॉर्टनिंग, क्रोमोसोम्स के अंदर जो टीलोमेयर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं. डीएनए डैमेज, जो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डैमेज होने चालू हो जाते हैं. जीन एक्सप्रेशन एरर्स, यू नो दीज डीएनए एक्सप्रेसेस द जीन्स, इनके अंदर जीन एक्सप्रेशन के अंदर एरर आ जाती है. प्रोटीन बिकम लेस फंक्शनल, जो ओल्ड एज होती है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो कम कार्यशील रह जाता है. सेल्स डोंट डाई व्हेन दे आर सपोज टू. सेल, आपको पता है, नए पुराने सेल मरते जाते हैं और नए सेल बनते जाते हैं, लेकिन इन ड्यूरिंग एजिंग द सेल डू नॉट डाई. दे हैव टू डाई, दे शुड डाई, बट दे डू नॉट डाई. द बॉडीज एनर्जी प्रोडक्शन मशीनरीज मैल फंक्शन, यू नो एटीपी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी, इसके अंदर मैल फंक्शनिंग हो जाती है, मतलब प्रॉपर एटीपी इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. इन एफिशिएंट सेल कम्युनिकेशन, यू नो देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इन एफिशिएंट हो जाता है ड्यूरिंग एजिंग. इम्बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी बिकम्स, you have carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid metabolism. It is a very, these are the wrong chains of long chain. In this chains there occurs error. Stem cell exhaustion, stem cell ka exhaustion chalu ho jata hai. So these are the various biological hallmarks of aging. There are certain psychological changes also occurs during ages. What are those psychological changes? वह क्या psychological changes हैं aging के अंदर? Most elderly people seems to be most vulnerable to psychological dysfunction when they experience change. As a person ages, the inevitability of death becomes more real and can often be a source of uncertainty and dread. As elderly become less physically able to engage in their daily needs activities, they often mourn their loss of independence. मैं अगर शॉर्ट में साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करूं आपसे, बुढ़ापे के अंदर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है. बूढ़े लोग होते हैं वो घर के दूसरे जो लोग होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनका मेमोरी लॉस हो जाता है, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं वो लोग, उनको कुछ याद नहीं रहता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोशली वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं, सोशल आइसोलेशन कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों के बीच में उठना बैठना उन्हें अब पसंद नहीं होता है. फिनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाती है, लोनलीनेस वो महसूस करते हैं. ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो बुढ़ापा और जीर्णता के टाइम पर्संस को आते हैं. मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ व्हाट आर द मेन hallmarks of the aging. Number one is shortening of telomere. Telomere specific DNA sequence found only at the tips of chromosomes. It protects the tips of chromosome from erosion and from sticking to one another. It is most normal body cells, each cycle of cell division shortens the telomeres.
Eventually, after many cycles of cell division, the telomeres can completely gone and even some functional chromosomal material may be lost. Erosion of DNA from the tips of our chromosomes contribute greatly to aging and death of the cell. ये आप देखिए, इस पिक्चर के अंदर आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ये येलो येलो डॉट्स जो है वो क्या है, टेलोमियर्स हैं। ये टेलोमियर्स जो होते हैं वो सेल से अलग हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एजिंग। सेल्यूलर एंड बायोकेमिकल चेंजेस, न्यूक्लियर पिकनोसिस क्या होता है, विद एडवांसिंग एज द न्यूक्लियस श्रिंक्स एंड स्टेन्स डीपली। This is due to the condensation of the nuclear material. Nuclear apoptosis क्या होता है? Aging के साथ साथ nucleus जो होता है वो shrink होता है. Shrink होने से क्या होता है? उसके nucleus जो chromatin material होता है वो condense हो जाता है. और उससे क्या होता है? जो nucleus होता है वो stain बहुत ज़्यादा लेता है. This is actually nuclear apoptosis. Aging is accelerated by the chromosomal aberration and somatic gene mutation. मैंने बताया chromosome के अंदर aberration होता है. Aberration मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम का जो structure और functional change आ जाता है. और उसके अंदर सोमैटिक जीन म्यूटेशन, उसके जीन्स उसके क्रोमोसोम के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। डीजेनरेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, देयर आर मेनी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये सारे जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अंदर डीजेनरेशन चालू हो जाता है, मतलब खराब या खत्म होने चालू हो जाते हैं। चेंजेस इन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, मैंने बताया कि देर आर सर्टन एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं जैसे कि LDH, SDH, ACPase, lysosomal enzymes, catalase, glutathione, peroxidase, respiratory enzymes, alkaline phosphatase, glucose dehydrogenase, ये सारे जो हैं ये इनके अंदर चेंज LDH, SDH, ACPase एंड lysosomal enzyme में चेंज आता है, catalase, glutathione, peroxidase के अंदर चेंज आता है, लेकिन respiratory enzyme जैसे alkaline phosphatase और glucose dehydrogenase के अंदर चेंज नहीं आता है। Then after this weak immune system जो है वो weak हो जाता है। With the age, the system's ability to produce necessary antibodies that fight diseases decline. जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाती है। The immune system may start to attack the body's own cells. मतलब जो अपने ही सेल्स को वो खाना चालू कर देता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स माइट बी कॉज्ड। ठीक है, एंड जो सेल डिवीजन होता है, रेट ऑफ सेल डिवीजन वो भी डिक्रीज हो जाता है। हेल्फिक लिमिट थ्योरी ऑफ एजिंग सेज दैट द ह्यूमन सेल्स एबिलिटी टू डिवाइड इज लिमिटेड टू अप्रॉक्सिमेटली 50 टाइम्स आफ्टर विच दे सिंपली स्टॉप डिवाइडिंग। सेल्स जो है वो डिवाइड होने कम हो जाते हैं। ग्लूकोज द मोस्ट अबंडेंट शुगर इन द बॉडी प्लेज अ रोल इन द एजिंग। ग्लूकोज जो कि बहुत हमारी इंपॉर्टेंट शुगर है बॉडी के अंदर, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजिंग के अंदर। It is haphazardly added to the protein inside and outside cells, forming irreversible crosslinks between the adjacent protein molecules. ये protein cell के अंदर और बाहर crosslinks बना लेती है, कौन? Glucose, protein molecule के बीच में। With advancing age, more crosslinks form, which contribute to the suffering loss of elasticity that occurs in the aging tissues. जब ज्यादा क्रॉसलिंक्स बन जाएंगे सेल के बीच में तो सेल की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी एंड इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और उसकी वजह से जो सेल्स हैं वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं। बहुत सारी थ्योरीज जो बताती हैं कि एजिंग के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर ज्यादा होता है क्योंकि और उस क्योंकि उनके अंदर मेनोपॉज आ जाता है। मेल के अंदर भी हार्मोनल चेंज बहुत सारे आते हैं। ऑक्सीडेटिव डैमेज, एजिंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। अबाउट 2-3% ऑफ द ऑक्सीजन एटम टेक अप बाय द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिड्यूस्ड टू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2-3% ऑक्सीजन एटम्स कम पहुंचते हैं। दीज ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, include the superoxide ion, the hydroxy radical and hydrogen peroxide. ये जो ROS हैं ये oxidize करते हैं damaged cell membranes को, proteins को, nucleic acid को. Evidence for this nucleus includes the observation that Drosophila that overexpresses enzymes that destroys ROS live 30-40% longer than controls.
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज होता है, जीनोम डैमेज होता है, म्यूटेशन के कारण एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ आरओएस एंड इट इंड्यूसेस एपोस्टोसिस. अ रीसेंट रिपोर्ट शोड दैट देयर आर हॉट स्पॉट्स फॉर एज रिलेटेड म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम एंड द माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेशन हैव हायर एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी देन द वाइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. Mutants are able to outcome the wild-type mitochondria and eventually dominate the cell and its progeny. The mutation may not only allow the ROS to be made, but may mitochondria DNA more susceptible to ROS-mediated damages. Now you can see that. ये damage आपको mitochondrial DNA दिख रहे हैं? These are the DNA. इनका जो genome होता है वो damage हो जाता है. So this is all I have told. What are the causes of aging? It may be at cell level, or it may be at chromosome or gene level. I'll continue this chapter, aging. So about this lecture, I'm stopping here. Thank you.